Welcome to my second vlog, the 19th of September 2023. मस्त इधर देखो बाबा इधर देखो कैमरामैन फोकस करो बट ये बड़ा रोड लग रहा है साइकिल्स के लिए सेफ नहीं लग रहा है साइड देखो आंटी जी मुझे घूर के देख रही है घूर के का परछाई दिख गया मुझे लगा मैं पीछे से कोई गाड़ी मेरे को मारने वाला अभी ऑरेंज फ्लेवर लाइक करता है और स्ट्रॉबेरी लाइक करता है ऑरेंज बेटर रहेगा इसमें बहुत अच्छा है तो ये प्लांट के जैसा बनाया गया ये एक सोलर ऊपर में सोलर पैनल लगा हुआ ऊपर में और हे गाइस स्वागत करता हूं आपको मेरे इस नए वीडियो में और चलते हैं बाहर और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये सुबह के बज रहे हैं कितने टाइम देख के वीडियो बनाना चाहिए ना सुबह के बज रहे हैं 4:50 के करीब करीब और मैं अभी निकल चला हूँ बाहर थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह देखने के लिए और कुछ देखने के लिए। आज मेरा कल छुट्टी था तो मैं बाहर निकल पड़ा। अभी मैं ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए पहले नीचे जाऊँगा अपना एक हायाबुसा है उसमें ये बाइक स्टैंड लगाएंगा। हायाबुसा कौन सा हायाबुसा है आप बाकी वीडियो में देख लोगे। फिर उसको लगाने के बाद से माइक ये लगाने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। बाय। नीचे आते वक्त मेन चीज लाना ही भूल गया। साइकिल से निकल रहा हूँ अपना हायाबुसा ही रहा अपना हायाबुसा साइकिल से निकल रहा था ना एचएस माउंट लेने के लिए भूल गया। अभी फिर वापस थर्ड फ्लोर तक ऊपर जाना पड़ेगा और सामान लेके आना पड़ेगा। अभी मैं सामान लेके आता हूँ और ये 2-3 माउंट से साइकिल में वो लगाता हूँ मैं अपना उसके बाद से फिर रिकॉर्ड करते हैं। सोचा था कि रात को निकलूँगा सुबह 4 बजे के करीब करीब उठ गया था। सोचा 4 बजे सुबह निकल के बाहर जाऊँगा तो रिकॉर्ड करूँगा रात वाला मतलब क्या वो मैं सोचा था कि दिन में रात को निकलूँगा रात को निकलने के बाद से डे और नाइट का टाइम लैप लूँगा। बट इतना सारा सामान लेना पड़ता है फर्स्ट टाइम ब्लॉग करके तब समझ में आ रहा है। अभी भी कैमरा लो कैमरा के साथ में उसके एक्सेसरीज लो बैटरीज ये वो ये पता एक एंडलेस गार्डन वाला रोड है। यहाँ से मैं शायद निकलूँगा मरीना बीच की तरफ। मरीना बीच नहीं बोलेंगे मरीना गार्डन है क्योंकि दिन में यहाँ पे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब मैं पता नहीं इतना कुछ बोल दिया मैंने पता नहीं रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं है। ये सामने जो आप देख रहे हो यही है एंडलेस गार्डन कभी इसमें भी चलेंगे अपना मरीना पे चलो। ये प्यारा सा यहाँ पे मॉस्क टाइप का है मॉस्क ही है शायद मॉस्क। इधर देखो बाबा इधर देखो कैमरामैन फोकस करो। बट एक बात है यहाँ पे मैं मॉर्निंग में निकल गया लेकिन डे में आप निकल नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे दोपहर का जो गर्मी है ना ओहे मज़ा ही आ जाएगा अगर बाहर निकल गए तो। सिग्नल का पालन हमने नहीं किया हमने क्रॉस कर लिया सिग्नल का पालन नहीं किया हमने उतर के कहीं पे मोबाइल लगाना पड़ेगा। ओ बाबा कैमरामैन फोकस करो चारों तरफ तो बड़ा खूबसूरत सा बिल्डिंग है मुझे इसका वीडियो लेना है। साइकिल वाले भैया आगे बढ़ो। ओ भाई नहीं इतने सारे डॉग्स अभी पता नहीं है वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन मैंने पहली बार इतने सारे एक साथ झुंड में देखे इधर बहरीन में। यहाँ से बीच में से उतर गया गाड़ी ना मार दे वो तो रास्ता ही बंद कर रखा है। ओ भाई रोड क्लोज। एक काम करते पीछे की तरफ एक रास्ता है शायद उधर से जाते पता नहीं कितने मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। मैप में तो मैं बराबर जा रहा हूँ बाकी मालूम नहीं। रोड बंद है अभी मुझे दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा बट ये बड़ा रोड लग रहा है साइकिल्स के लिए सेफ नहीं लग रहा है। अरे यार यू टर्न है। रोड पे जितने भी लाइट्स होती है ना वो सारे के सारे क्या होती है ना कि येलो कलर की होती है रात में
जितने भी शाम में आप निकलोगे ना, सारे लाइट्स येलो कलर के होते हैं। मोस्टली जो बाहर के लाइट्स होते हैं, लैंप लाइट्स होते हैं, वो सब के सब रेड येलो कलर के होते हैं। तो सारा वीडियो लगता है जैसे मैं खंडर भूतिया एरिया में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वापस आते हैं अपने GoPro के रिकॉर्डिंग पे। अरे वो लेना था ना, सनराइज लेना था ना, ऑलमोस्ट सूरज ऊपर आ गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, टाइम लैप्स तो ले लिया। टाइम लैप्स का पता नहीं कैसा आया हुआ है वो, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। मे बी मुझे 5-10 मिनट का अगर मैं टाइम लैप्स लूँ तो शायद बहुत अच्छा आएगा। ऐसे बस नॉर्मली मेरे को कुछ खास दिखा नहीं, फिर भी मैं डाल दूँगा, देखते क्या होता है। सामने रहा अपना डिप्लोमेट रेडिसन ब्लू होटल, और ठीक उसके सामने सेल स्टैचू बोल के कुछ है, वही है ये वाला। अभी सुबह का सिर्फ कितना, सुबह का 6:12 ही हुआ है अभी, और गर्मी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। बर्दाश्त हो रहा है थोड़ा थोड़ा, आगे का पता नहीं क्या होने वाला है। ये मैं ठीक ब्रिज के नीचे हूँ अभी, वो वाली जो दिखा रहा था ना मैं, साइड देखो, इस ब्रिज के ठीक नीचे हूँ। अरे मैना, मैंने बहुत दिन के बाद एक मैना देखा, इंडिया में देखा था, उसके बाद देखा नहीं था। ये वाली ये जो एरिया दिख रहा है ना पूरा, ये नेशनल म्यूज़ियम का, बैरन नेशनल म्यूज़ियम। कभी मौका मिला तो इधर भी चलेंगे। आंटी जी मुझे घूम के घूर के देख रही है, घूर के करके आ रहा है बंदा। ये नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बाहर निकल के पहली बार बोल रहा हूँ। तो सामने हम वही पहुँच गए जिधर से हम लोगों ने पहले आने का कोशिश किया था। शायद मैंने इधर से, यहाँ से मैंने बाहर निकलने की कोशिश किया था। नहीं, बाहर निकला था इधर से, सामने मैंने यहाँ से बाहर निकला था, और दूसरे साइड से इधर से मैंने वो टाइम लैप्स वाला रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था। इतना घूम के आना पड़ा मुझे। और सामने रहा वो ब्रिज। थोड़ा देर पहले सामने का मैं रोड क्रॉस कर रहा था, और रोड क्रॉस करते समय मैं खुद के परछाई से डर गया। मैं राउंड एक टर्न ले रहा था, वहीं पे मेरा खुद का साइकिल का परछाई दिख गया। मुझे लगा मैं पीछे से कोई गाड़ी मेरे को मारने वाला। अभी इधर पुलिस लाइव कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। तो हम लोग एंडलेस गार्डन के अंदर ऑलमोस्ट एंट्री हो चुके हैं। अरे यहाँ से रास्ता बंद है, नहीं इधर है। मुझे कबूतर दिखा, कबूतर, मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा। सामने एक कैफ़े है, बट ओपन है कि नहीं मालूम नहीं। ओपन है। ये जो सामने जो एरिया दिख रहा है ना घर जैसा, ये वाला, यहाँ पे बोलते हैं उसको, एक छोटा सा गेम सेंटर है। कभी अंदर जाऊँगा, अभी तो बंद होएगा, सुबह सुबह है। ये रहा अपना वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी वाला जगह। यहाँ पे मोस्टली वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटी होता है। रिजर्व योर ट्रिप नाउ। यहाँ पे कायाक, स्पीड बोट, जेट स्की, ये सारे भी होता है, मुझे मालूम नहीं। अगर इन फ्यूचर मैंने किया तो ज़रूर बताऊंगा। साउथ टूरिज्म बोल के लिखा हुआ है। इसका गेट भी इधर किधर से ही, तो सामने से गेट लगता है ये वाली। और सामने ये रहा मरीना बे बीच का जो एक रिजॉर्ट है, मरीना रिजॉर्ट बोल के, डॉल्फिन रिजॉर्ट, मरीना डॉल्फिन रिजॉर्ट ऐसे कुछ है। ये गार्डन में इतना कुछ देखने के लिए नहीं है, मगर शाम को आप आके बैठ के कुछ एंजॉय वगैरह कर सकते हो। बारबेक्यू वगैरह अलाउड नहीं है। इधर देखो देखो, इधर सारे बोट्स पड़े हुए हैं ना, इधर वो जेट स्पीड जेट स्की वो जो है ना, वो भी सारे यहीं से शायद एक्टिविटीज़ इनका होता है। अपन भी किसी दिन ट्राई करेंगे, कैमरा इसलिए तो लिया। पानी का वीडियो आ चुका है, लेकिन और भी बीचेस पे जाएंगे हम अपना रिकॉर्ड करने के लिए। ये रहा कोरल बे। ये प्यास लगे है, पहले पानी लेंगे अगर इधर। मैं इस दुकान के लिए आया था, ये बंद पड़ा हुआ है।
हम फिर वापस जाएंगे उस तरफ, वो जो छोटे छोटे कार्ट्स बने हुए थे ना। सुबह का मॉर्निंग ट्रैक है, आप अगर आप जॉगिंग वगैरह करना चाहते हो, आप मॉर्निंग में आके, पूरा ऐसे खुला रहता है 24 घंटा, आप मॉर्निंग में आके यहाँ पर जॉगिंग वगैरह साइकिलिंग वगैरह कर सकते हो। ये जो अभी जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये रोड इधर मैं साइकिल चला रहा हूँ, देखो नीचे नीचे में दो साइकिल का जो एरिया बना हुआ है इधर पर ही साइकिलिंग करते हैं, बाकी दो जो उस साइड का जो जगह, इस साइड का, इस साइड में मोस्टली जो लोग हैं वो रनिंग वगैरह करते चलते हैं। सामने छोटे छोटे बच्चे लोगों का खेलने का जगह है, यहाँ पे पार्क वगैरह है सारा, ये बंद पड़ा हुआ है। देखते हैं, वाटर नहीं मिला तो क्या ले सकते हैं, सोडा, स्प्राइट या फिर कुछ मीठा, देखते हैं। ब्रदर वाटर, बस वाटर है, ठंडा पानी दीजिए, बस पानी है। कितना इसका? 2 रुपए। आप सोडा में कुछ रखे हो क्या? सोडा में कुछ है? सोडा, सोडा, स्वीट सोडा समथिंग, या स्वीट है ना, स्वीट लाइम सोडा का कितने का है? ये दे, स्वीट्स नहीं और ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में बोल रहा हूँ कुछ पान। क्या 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 बना रहे हो आप, क्या है? रेड बुल लाइक करता है और रेड बुल सेवन अप में कुछ आप, हाँ सेवन अप पे तो ऑरेंज, ऑरेंज फ्लेवर लाइक करता है और स्ट्रॉबेरी लाइक करता है। ऑरेंज बेटर रहेगा, कितने का वो पड़ेगा? 1.5 रुपए। कितने बजे आप खोल देते हो सुबह में? सुबह 6 बजे ओपन है। क्लोजिंग कभी होता है? चार बजे। तो ये है डेबरी कैफ़े बोल के, आप यहाँ पे आ सकते हो, सुबह में 6 बजे खुल जाता है, शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। मैंने अभी एक वाटर लिया और एक सोडा समथिंग मिक्स कुछ लिया मैंने, उसका पानी सस्ता इधर 200 रुपीज़ का, सॉफ्ट ड्रिंक्स 1 दिनार 700 ऐसे कुछ है, बट बहुत प्यास लगा था तो लूँगा। इधर भी एक कार्ट है, क्रिप, क्रिप इसेल बोल के, ये वॉफल्स वगैरह बेचते हैं, इनके पास भी कॉफ़ी है, इनके पास भी कॉफ़ी है। शायद रेडी हो गया, थैंक यू। तो ये मुझे मिला ड्रिप कॉफ़ी की तरफ से, अच्छा है, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। मैंने ऑरेंज फ्लेवर बोला था इनको, ऑरेंज ही इन्होंने शायद स्प्राइट में ब्लू कुरासो लेमन और शुगर वगैरह मिक्स करके शायद दिया मुझे। मैं यहाँ पे था ये मरीना बे के ऊपर में, जो पानी लेने आया था ना, उन्होंने दिखाया ना ये दुकान, जो जहाँ से मैंने ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं, पता नहीं इसका नाम क्या है, बट मैंने नाम पूछा नहीं, मुझे प्यास लगा हुआ था तो मैंने ले लिया, ऑरेंज फ्लेवर का कुछ ब्लू कलर डाल के है। तो जहाँ तक मुझे पता है इसमें ब्लू कुरासो और बाकी स्प्राइट और समथिंग मिक्स रहता है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा है। तो अभी यहाँ तक तो आ गया, अभी बाकी बहुत धूप है बाहर, देख सकते हो आप कैमरा में बहुत सारा शायद में धूप दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ से मैं सीधा घर की तरफ निकलूँगा, लेकिन घर भी अभी मेरा यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ऐसे, बट आया तो वहाँ था मैं इस साइड से, इधर से मैंने दिखाया था कि रोड ब्लॉक है उस साइड में, रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन मैं जाते समय मैं इधर से एक बार कोशिश करूँगा जाने का कि शायद मुझे इधर पर कोई रोड दिख जाए, और अगर कुछ इधर दिख गया तो बहुत अच्छा है, पर नहीं दिखा तो फिर मुझे सिर्फ वापस से उसी रोड से होकर घर जाना पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी ब्लू कुराको जो मैंने पिया है वाला, और पीच पैशन फ्रूट एंड मेलन, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, डेरबी। चलो अपना हायाबुसा निकालो और निकलो, ये मिडिल में आ गया केबल आई जा, देखो क्या हो गया,
मेरा चार्जिंग का क्या बोलते उसको आईफोन का जो ये कनेक्टर है ये गया, पता नहीं कैसे मैं पता नहीं मैंने टूट गया मेरा चार्जिंग कनेक्टर, सीधा करूँ क्या, पूरा गया। तो ये मेरा चार्जर का बैंड बज गया, अब फोन तुरा कुछ क्या होएगा, तेरा पास चार्ज कितना है, 38% चार्ज है और मेरा चार्जर टूट गया। तो ये देखो मेरा नया जुगाड़, पानी में बोतल फेंकने वाला था पर पानी बचा हुआ था, मैं सोचा रास्ता में फिर ज़रूरत पड़ जाएगा। तो ये साइकिल का जो मेरा ये है ना, ये सारा छोटा बोतल बोतल नहीं जाता, बड़ा वाला बोतल जाता है इसमें। तो मैंने इधर में जो मेरा बैग था, बैग और मेरे लॉक में इसको फंसा दिया, पता नहीं है आगे रास्ता में गिर जाएगा क्या होएगा मालूम नहीं है, बट है वैसा ही है, शायद गिर जाएगा। और सामने शायद पीछे में ना बेतल कुरान कोई एक है और एक अल्फते मॉस्क, मॉस्क जो यहाँ का बहुत सबसे बड़ा मॉस्क है वो भी पीछे रास्ते में दिखेगा, शायद वो कैमरा में कैप्चर हो जाए तो मैं उसको कैप्चर करूँगा। और ये जो दिखा रहा था मैं, ये जो ना है ना एक तरह का प्लांट है, प्लांट नहीं है मतलब पूरा सोलर प्लांट के जैसा बनाया गया, ये एक सोलर ऊपर में सोलर पैनल लगा हुआ ऊपर में और नीचे में ये लोहे का पूरा उनका सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू ये लोग रात में जो रात के जो लाइट्स वगैरह लैंप्स वगैरह ना इधर जितना भी लैंप्स दिख रहा है ये ऊपर में और इधर पीछे का लैंप्स वगैरह ये सारे लैंप्स का लाइट्स है सप्लाई होता है। ओ अंकल जा रहे थे तो मुझे मैं चिपसा हो गया पहले अचानक से कि मतलब क्या बोलूँ फिर। तो यही है पीछे में वो दिखेगा शायद मेरे को वहाँ पे बेतल कुरान और अल्फते मॉस दिखेगा, मैं उसको भी कैप्चर करूँगा, चलते फिर। तो इधर दो राउंड रास्ता बना हुआ जैसे प्लांट लगा हुआ है ना, तो प्लांट के ये जो रास्ता है ये ठीक हो, जो मैं बोल रहा था ना जुफेर वॉकवे है जो इधर से स्ट्रेट जाके वो जो रास्ता है पूरा वो जुफेर की तरफ जाता है और ये इस साइड में लोग जॉगिंग वगैरह करते हैं, इस साइड में भी करते हैं मगर उन्होंने बना रखा है जैसे कि इस साइड में जॉगिंग करते हैं और इस साइड में साइकिलिंग होता है। तो ये एरिया है यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हो आप। एक जो जगह है वो अल्फत नहीं नहीं बेतल कुरान है और ये शायद अल्फते मॉस्क है। सो ये जो है सामने वाला ये आपका अल्फते मॉस्क है और ये जो राउंड राउंड जो दिख रहा है ये वाला ये बेतल कुरान है, इनमें भी हम कभी जाएंगे ज़रूर जाएंगे। और ये प्रेडिस्टिन राउट बना रखा है इधर उन्होंने, प्रेडिस्टिन राउट ये तो ये जो दिखा रहा था मैं, अब यहाँ से नेक्स्ट टाइम हम लोग उधर से आ रहे थे तो पता नहीं मुझे सब बराबर नहीं दिखा, लेकिन मैं इधर से अभी जाऊँगा, पता नहीं शायद रास्ता मिल जाए मुझे, तो इधर से जाते और नहीं मिला तो फिर वापस से हमें उधर जाना पड़ेगा। ये अभी ये प्रेडिस्टिन एक्सेस यहाँ पर दिखा रहे हैं बट यहाँ पर संभल के जाना पड़ेगा, सामने से गाड़ी भी आ रहा है। ओ भाई रुक जाओ, जाएगा मैं रवि भाई जाएगा इधर से, तो इन्होंने गाड़ी कैसे रोका, आप अपने वहाँ पे तो बोलेंगे ए रुक जा रहे किधर जा रहा है और हमारे लिए इन्होंने गाड़ी रोक दिया, थैंक यू। बाहर तो निकल गए लेकिन जाएंगे कैसे, तो रोड लग गया, अच्छा शायद इधर से स्ट्रेट जाके होता होगा, चलते आगे देखते, आगे से शायद हमें इस रोड में जाके उधर से शायद बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना सामने का, ये जो ब्रिज वाले पूरा एरिया है ये सब जुफेर एरिया में आता है और वहाँ पे कुछ नया गेट सा बन रहा है वहाँ पे, वो भी बन के तैयार हो जाएगा। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग जुफेर के साइड में ये जो वॉकवे है ना ये वॉकवे होके जुफेर के साइड में जाएंगे, ऐसा जुफेर में कुछ देखने लायक नहीं है बट वहाँ पे सामने एक छोटा सा बीच बोल सकते हो, बीच नहीं है वहाँ पे नॉर्मल सारे फुटकाट वगैरह रात में लगते हैं बेतल कुरान है। और हम लोग इधर से इसे जाने वाले थे लेकिन हम लोग अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो वीडियो और लंबा चलेगा अब, क्योंकि मैं जो इस रास्ते से आया था अब उस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ बेतल कुरान शायद सच में वो है कि वो क्या है मुझे को मालूम नहीं, मैंने शायद फ़ोटोज़ में देखा था कि यही बेतल कुरान है। मैं एक बार मैप में चेक कर लेता हूँ कैसे जाना है। हम सुबह में शायद 5 बजे के करीब 4:30-5 बजे ऐसे निकले थे, 5 बजे निकले थे और अभी 7 बज गए। तो मैंने अपना घर का लोकेशन सर्च कर लिया, यहाँ से कितना ज़्यादा नहीं 1.8 किलोमीटर्स और बचा हुआ है, 27 मिनट्स दिखा रहा है बट हम उससे पहले पहुँच जाएंगे। बेतल कुरान कब से बोल रहा था वो नहीं है, ये ईसा कल्चरल सेंटर है, अरे ईसा कल्चरल सेंटर है। और अंदर में वो मॉस्क वाला एरिया दिख रहा है शायद, उधर देखो पता नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं था, स्कूल जैसा दिख रहा है मुझे, नहीं स्कूल नहीं, हाँ स्कूल कार पार्किंग, अच्छा ये बच्चे लोगों का स्कूल बस है,
मैंने फर्स्ट टाइम स्कूल बस देखा ठीक से यहाँ पे, येलो बस। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों आपको बाहर में बच्चे आपको बाहर दिखेंगे नहीं स्कूल से, अपने उधर तो क्या होता है कि छुट्टी हुआ नहीं कि बच्चे बाहर रास्ते में पूरा घूमते फिरते दिखेंगे, इधर ऐसा नहीं होता। ये सामने स्कूल है, ये हम आ गए ऑसिस मॉल के पास, ऑसिस मॉल के पास। ये सामने जो दिख रहा है ना वो ऑसिस मॉल है, और ये पीछे जो फेर है, और सामने है गल्फ होटल। रेडियो स्पीड अपना तो हायाबुसा है बाबा, बहुत स्पीड जाता है। यहाँ का बस स्टैंड आप लोग मैंने दिखाया ना, ये देखो यहाँ का बस स्टैंड ऐसा रहता है, दिखने में तो ठीक ठाक है लेकिन कुछ कुछ जगह पे ना आपको बस स्टैंड कैसा मिलेगा मालूम है, और जैसे अपने इंडिया में होता है ना कहीं कहीं पे बड़े सिटीज़ में वो एसी वाला चारों तरफ से बंद कर लो अंदर एसी चल रहा है, यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन ज़्यादातर जगह पे वो एसी वाला रहता नहीं है, खुला ही रहता है वो। ये अल ग्रैंड मॉस्क, हाँ बोल रहा था ना वो मॉस्क, ये मॉस्क का एंट्रेंस है। अच्छा मुझे उस साइड जाना चाहिए शायद, उस साइड से प्रेडिक्शन राउट है। अच्छा है, किस दिन शाम में रात में या फिर नेक्स्ट छुट्टी में आएंगे इधर भी। मेन प्रॉब्लम वही हो जाता है गर्मी, अगर यहाँ पे ऐसा धूप जो है ना अभी मेरे से बात किया नहीं जा रहा है, अगर धूप ऐसा नहीं रहता ना तो बहुत सारा जगह यहाँ पे घूमने के लिए है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं बहरीन में कुछ घूमने के लिए नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। तो बड़ा डेंजर लगता है मेरे को ये रोड, पता नहीं कब किधर से क्या आ जाए, इसीलिए मैं ये रोड आने जाने के लिए अवॉइड करता हूँ हमेशा। मैं उधर से इसीलिए घूम के इतना गया लेकिन एंड में इधर ही आना पड़ गया। अरे यार रोड क्रॉस, अरे वाह क्रॉस हो गया, बहुत घुमा रहा है गाड़ी, बहुत घुमा रहा है। हमने मेन रोड पकड़ लिया, पेडेस्ट्रियन छोड़ दिया हमने। अरे गल्फ होटल तो चला गया, सामने गल्फ होटल है, इधर सामने गल्फ होटल है। आगे से ये जो रास्ता है ना, इसके जो झंडा दिख रहा सारा, कौन सा झंडा है, अपना है कि नहीं, हाँ अपना इंडिया का झंडा भी है। तो ये जो रास्ता अंदर जा रहा है वहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो बॉटल मिलेगा, बॉटल। ये बॉटल गिरना नहीं। ये रमदा होटल है, इधर सामने रमदा होटल, दिल्लू टावर। अरे दिल्लू टावर, दिल्लू भैया आपके नाम का टावर है, इधर इधर भी चले गया। आई यहाँ पे वो है ना आई लव बहरीन बोल के जो एक आइकन बना हुआ है, इधर ही है वो। ये एरिया बोलते हैं ना हमारे जो मैं जिधर रहता हूँ ना उस साइड में, ये पूरा एरिया कैफ़े का एरिया है, पूरा चारों तरफ कैफ़े रेस्टोरेंट्स यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। ये रहा आई लव बीएच यानी आई लव बहरीन, और इधर रहा मनामा का सिंबल, और सामने मिराई बोल के एक जापानीज या चाइनीज रेस्टोरेंट है, जापानीज लग रहा है मुझे पता नहीं। ये सामने वाला ये जो एरिया ना स्ट्रीट, ये पूरा रात में भरा रहता है लोगों से। तो भाई साहब मेरे को घूर के क्यों देख रहे हो, बंदा नर्वस हो जाता है। ये थाई रेस्टोरेंट इधर पे पता नहीं क्या, ये फ्लावर वाला पता नहीं क्या रेस्टोरेंट है, द इंग्लिश रोज रेस्टोरेंट। यहाँ पे बार क्लब रेस्टोरेंट सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे आयरिश रेस्टोरेंट, यहाँ पे कुल्लू, भाई वाह कुल्लू। हाँ ये आगे हम अपने घर के एरिया में, सामने मार्केट, छोटा मोटा खाने का दुकान, ये सब क्यों दिखा रहा हूँ मैं। चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा।
और मैं रहता हूँ इधर सामने। तो पहले इधर हम लोग फुटबॉल खेलते थे, मैं खेला नहीं कभी, मेरे दोस्तों खेलते थे फुटबॉल। फुटबॉल नहीं, हाँ फुटबॉल खेलते थे। वो रहा मेरा होटल जो सामने दिख रहा है, और ये रहा मेरा एकोमोडेशन जो सामने दिख रहा है, भगाड़। ये भगाड़ बना रहा है अपना एकोमोडेशन। ए 1 2 3 4 फोर्थ फ्लोर तक है, अब मुझे थर्ड फ्लोर तक पैदल चल के जाना है। अपना हयाबुसा को स्टैंड पे लगाएंगे और रूम पे जाएंगे। ओह